दोस्तों आज की वीडियो में हम स्वॉलोड स्टार की न्यू एपिसोड 81 की ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एक और बात, मैं इसकी नोवेल को भी कुछ दिनों बाद स्टार करने वाला हूं। अगर आप इसकी नोवेल चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारा ट्रेलर स्टार्ट होता ही हम सबसे पहले देखते हैं लीडर होंग और ले शेन को, जिसके साथ ही होंग ले शेन से कहता है, तुम्हारा लेवल अभी तक काफी नहीं है, इस लेवल के साथ हम कोई काश इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। मगर उसी के साथ ही ले शेन होंग से कहता है, ये लेवल बहुत है और मेरी इस लेवल के बाद हम काफी ज्यादा न्यूज चीजें कर पाएंगे। तो यहाँ पर किस लेवल और किस चीज के बारे में बात हो रही है और ले शेन ने ऐसा क्या न्यू एक्सपीरियंस कर लिया होता है जिसकी वजह से उसका गोल्डन हॉर्न बीस्ट का सामना करने का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ चुका होता है। तो यहाँ पर ये दोनों डोमिंग के बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ले शेन भी अपनी डोमिंग को एक्टिवेट करना चाहता था, क्योंकि डोमिंग का यूज करते हुए अगर तो प्रैक्टिशनर फाइट करते हैं तो अपनी डोमिंग के अंदर वो लोग काफी ज्यादा बेनिफिट रहते हैं। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट यू में देखते हैं सारे लोग वार गॉड्स पैलेस में मौजूद होते हैं और उसी के साथ ही साथ लुओ फैंग भी यहीं पर मौजूद होता है और उसी के साथ ही यह सब लोग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं और गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने साथ काफी ज्यादा मॉन्स्टर को लेकर सिटी की ओर चल रहा होता है। जिसके साथ ही लुओ फैंग कहता है, हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट से अपनी रिवेंज लेने का टाइम आ चुका है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट यू में देखते हैं, जैसे ही मॉन्स्टर की फाइट चल रही होती है तो उसी की कुछ ही देर बाद गोल्डन हॉर्न बीस्ट की वजह से शायद से इनका एक और न्यू मिलिट्री बेस अटैक में आ जाता है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट वहां पर भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाता है। और उसी के साथ ही हम नेक्स्ट यू में देखते हैं लुओ फैंग को, जो कि वार गॉड पैलेस में मौजूद सब लोगों को अपनी वेपन के बारे में बता रहा होता है और इसी के साथ ही यह सब लोग लुओ फैंग से पूछते हैं, क्या तुम इसका यूज करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मार सकते हो या फिर नहीं। और डेफिनेटली लुओ फैंग यहाँ पर मौजूद सब लोग को लेजर कैनन के बारे में बताएगा तो ये सब लोग ही काफी ज्यादा शॉक रह जाएंगे, क्योंकि यह एक ऐसी लेकर कैनन है जो किसी भी स्टार लेवल के वॉरियर्स को मार सकती है और अभी तक का यह अर्थ पर मौजूद सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन भी हो सकता है। जिसके साथ ही नेक्स्ट यू में लुओ फैंग बबाटा से कहता है, हमारे पास ज्यादा टाइम मौजूद नहीं है, इसकी वजह से तुम्हें जल्दी से जल्दी इस कैनन को रेडी करना होगा। और इसी के साथ ही लुओ फैंग के रोबोट्स इस कैनन को लेते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट से फाइट करने के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ पर लुओ फैंग सिल्वर स्पिन गॉड का यूज करने वाला है, जिनको बबाटा ने इतना टाइम लगाकर सही किया था। उसी के साथ ही साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ फाइट के लिए ये रोबोट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर लुओ फैंग या फिर होंग या फिर ले शेन इनमें से कोई भी ऐसी रिजल्ट को नहीं शो कर सकता जिन रिजल्ट को सिल्वर गॉड शो कर सकते हैं। जिसकी वजह से ही लुओ फैंग ने यहाँ पर ऐसा ही कर करता है और इतना कहते ही हमारा ट्रेलर एक्सप्लेनेशन यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। यदि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।